Once again, I am with you with a story. And today's story is The Rabbit and the Tortoise. So let's get start the story. Yes. So kids, once there was a Speedy Rabbit and his friend Tortoise who walks slowly. Rabbit is speedy, बहुत तेज भागता था and tortoise is slowly. He walked slowly. One day, rabbit challenged tortoise for a race. एक दिन rabbit ने tortoise को एक race के लिए challenge किया. ये इसको हमेशा चिढ़ाता था कि मैं तो इतना तेज दौड़ता हूँ और तू जो है वो बहुत स्लो चलता है. तो रैबिट ने कहा कि चलो एक दिन रेस करते हैं, क्योंकि उसे तो और कॉन्फिडेंस था कि जीतना तो मुझे ही है, बिकॉज रैबिट बहुत स्पीडी था और टॉर्टोइज जो था वो स्लोली चलता था. देन दे स्टार्टेड द रेस. दोनों ने रेस स्टार्ट की एक साथ. एंड आफ्टर सम टाइम रैबिट स्लेप्ट इन बिटवीन. रैबिट बीच में सो गया. उसे लगा कि रेस तो तुझे ही जीतनी है, बिकॉज रैबिट बहुत स्पीडी था. बट टॉर्टोइस वॉक्ड टिल द फिनिश लाइन. रैबिट सो गया और टॉर्टोइस जो है वो चलता रहा टिल द फिनिश लाइन एंड वोन द रेस. रैबिट तेज दौड़ता था बट फिर भी हार गया, लेकिन टॉर्टोइस स्लो चलता था बट फिर भी जीत गया. वाई? बिकॉज इसने हार्ड वर्क किया और रैबिट और कॉन्फिडेंट था. सो किड्स, what is the moral of the story? That slow and steady wins the race. Slow means धीरे चलने वाला, steady regular, नियमित. बेशक से tortoise जो था वो slow था but वो regular नियमित अपना काम करता रहा. जिस काम के लिए वो लगा था, जब तक उसने complete नहीं किया वो उसी पे लगा रहा. And rabbit, उसको क्या लगा कि तेरी तो जीत पक्की है और वो सो गया. और इतनी देर सोता रहा तब तक टॉर्टोइस रेस जीत गया. सो मोरल से हमें इस चीज़ का क्या ये लेसन मिला कि हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना काम करते रहना चाहिए. कभी भी बीच में रुकना नहीं चाहिए ये सोच के कि हो ही जाना है. जब तक नहीं करते रहोगे, जब तक कंप्लीट ना कर लो, किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ना. सो किड्स, learn the story and also learn the lesson from the story. Bye my everyone, have a nice day to all of you.